दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी में इस वक्त फुकरा इंसान ने जिया शंकर की नाक में दम करके रख दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त जिया शंकर घर की कैप्टन हैं। इससे पहले फुकरा इंसान बिग बॉस के घर में कैप्टन थे, लेकिन अब जिया शंकर बन चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जहाँ जहाँ फुकरा इंसान जा रहे हैं, जहाँ जहाँ फुकरा इंसान बैठ रहे हैं, जो भी फुकरा इंसान कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे जिया शंकर हमेशा लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर किस बात का डर फुकरा इंसान को लेकर जिया शंकर को लग रहा है? आखिर वो हर जगह फुकरा इंसान का पीछा क्यों कर रही है और उससे रिक्वेस्ट क्यों कर रही है कि प्लीज ऐसा मत कर वरना मैं कैप्टेंसी से हट जाऊंगी? आखिर ऐसा क्या कर दिया है फुकरा इंसान ने? इसी से जुड़ी आज हम आप सबके लिए एक ऐसी लेटेस्ट अपडेट लेकर आ गए हैं, एक ऐसी लेटेस्ट खबर लेकर आ गए हैं, ये सुनने के बाद शायद आप सब फुकरा इंसान की इस हरकत पर बेहद एक्साइटेड हो जाएंगे। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दरअसल आपको बता दें कि इस खबर को बताने से पहले हम आपको बता दें कि फुकरा इंसान इस घर में सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट में से एक है, और इसलिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब कुछ ही दिनों के बाद एक और वीकेंड का वार वाला एपिसोड आने वाला है और एक कंटेस्टेंट घर से बेघर होने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि जब फुकरा इंसान घर में बैठे हुए थे तो उन्होंने अपने आप से यहां पर दो प्रिडिक्शन की, दो अनुमान लगाए कि कौन से कंटेस्टेंट इस बार घर से बेघर हो सकते हैं। आपको बता दें कि यहां पर फुकरा इंसान ने दो कंटेस्टेंट के नाम का खुलासा कर दिया है। पहले कंटेस्टेंट का नाम उन्होंने पूजा भट्ट बताया है और दूसरे कंटेस्टेंट का नाम उन्होंने बेबिका बताया है। फुकरा इंसान ने कहा है कि अगर बिग बॉस यानी मेकर्स के हिसाब से अगर कोई कंटेस्टेंट इस हफ्ते घर से बाहर हुआ तो वो पूजा भट्ट होगी, क्योंकि पूजा भट्ट कई हफ्तों से बहुत गलत कर रही है। बात करें अगर फुकरा इंसान के अनुसार दूसरे कंटेस्टेंट की, तो यहां पर फुकरा इंसान ने अनुमान लगाया है कि अगर जनता ने यानी बिग बॉस के मेकर्स ने नहीं कि जनता ने फैसला किया तो बिग बॉस हमेशा जनता के फैसले को सुनकर बेबिका को ही घर से बाहर निकालेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर फुकरा इंसान ने कैप्टन जिया शंकर की नाक में दम क्यों करके रखा है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर जहां भी फुकरा इंसान जा रहे हैं वहां पीछे पीछे घर की कैप्टन जिया शंकर जा रही है, क्योंकि जिया शंकर को लग रहा है कि फुकरा इंसान घर में कहीं भी बैठ कर सो जाएंगे और अगर उनकी नींद लग गई, अगर उनकी आंख लग गई तो बिग बॉस उन्हें ही डांटेंगे। इसीलिए अभी अभी बिग बॉस के घर में जब फुकरा इंसान एक जगह बैठे हुए थे तो वहां पर जिया शंकर भी पहुंच गई और जिया शंकर फुकरा इंसान से रिक्वेस्ट करने लग पड़ी कि अभिषेक प्लीज तुम सोना मत, अगर तुम सो गए तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि मैं इस वक्त घर की कैप्टन हूं। और जैसे ही ये रिक्वेस्ट जिया शंकर ने फुकरा इंसान से की तो फुकरा इंसान ने आगे से कहा कि मैं सो नहीं रहा हूं, तुम क्यों डर रही हो? लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यहां पर फुकरा इंसान क्या करना चाहते हैं जिया शंकर के साथ? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और सीजन 2 से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।